हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज सोशल बॉन्ड थ्योरी इन क्रिमिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड इज अ कनेक्शन और रिलेशन ऑफ पीपल विद द सोसाइटी सच एज फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबरहुड ईटीसी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंट्रोडक्शन टू सोशल बॉन्ड थ्योरी। This theory was given in 1969 by an American sociologist and criminologist Travis Hirschi. He has written a book Causes of Juvenile Delinquency. Friends, ये theory बाकी theory से थोड़ी different है क्योंकि बाकी theories हमें crime के बारे में, criminal behavior के बारे में बताती है, जबकि social bond theory हमें बताती है कि कुछ लोग crime करते हैं, कुछ लोग crime नहीं करते, और जो लोग crime करते हैं वो क्यों crime करते हैं, और जो लोग crime नहीं करते वो क्यों नहीं करते, क्यों law को follow करते हैं। ट्रेविस हिर्श्ची ने कहा कि जिन लोगों का बॉन्ड सोसाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग होगा वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे बल्कि लॉ को फॉलो करेंगे, क्योंकि लोगों का सोशल बॉन्ड उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है और क्राइम करने से रोकता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो क्राइम करेंगे तो सोसाइटी में जो उनकी इमेज, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी रेपुटेशन बनी हुई है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जिन लोगों का बॉन्ड सोसाइटी के साथ वीक होता है वो डेफिनेटली क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व होगा, क्राइम करेगा। And social bond theory is also known as a social control theory. There are four elements of social bond theory. Number one, attachment. Number two, commitment. Number three, involvement. Number four, belief. Number one, attachment. A positive or emotional connection of individual with the society and social institutions. के लोग कितने attached हैं अपनी family से, friend zone से, education से और work से। अगर लोगों की अटैचमेंट सोसाइटी से स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली अपने बिहेवियर को मेंटेन करेंगे, और अगर जिन लोगों की सोसाइटी से अटैचमेंट वीक होगी तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लीड करेंगे। नंबर टू, कमिटमेंट। अ डिसीजन ऑफ डूइंग समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। इससे हमें पता चलता है कि लोग अपने काम के साथ और अपने वेलविशर के साथ कितने कमिटेड हैं। लोगों की जो वोकेशनल एस्पायरेशन है यानी जो उसमें स्किल्स सीखने की चाह है, और उनकी जो एजुकेशनल एस्पायरेशन है यानी उनकी जो पढ़ने लिखने की जो चाह है, और उनकी जो एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस है यानी वो फ्यूचर में अपने आप को किस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके जो फ्यूचर गोल्स हैं उन पे कितना फोकस करते हैं। इस तरह के लोग जो इन सब चीज़ों से कमिटेड हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं। नंबर थ्री, इन्वॉल्वमेंट। एंगेजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ पीपल इन देयर वर्क, एजुकेशन, फ्यूचर गोल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेलविशर। वो लोग जो अपना सारा टाइम अपने टारगेट्स को अचीव करने में लगाते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और हर वक्त अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ और अपने ग्रुप के साथ एंगेज रहते हैं, तो उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का टाइम ही नहीं मिलता। नंबर फोर, बिलीव। हैविंग फेथ अपॉन सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। अगर लोगों का सोसाइटी पे यानी फैमिली, फ्रेंड्स, वेलविशर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा लोगों को तो वो क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस लोगों को सही और गलत में फ़र्क समझाते हैं, और फिर लोग लॉज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन बन जाते हैं।